विविध प्रश्नावली 11 का यह 8वां सवाल है। देखते हैं क्या है, कैसे हल होगा। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष परवलय का शीर्ष है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ये एक परवलय है जिसका समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। इसके अंतर्गत एक त्रिभुज है, इसका एक शीर्ष परवलय के शीर्ष पे है। मैं इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो हमने माना इसकी जो भुजा है इसकी लंबाई है एल। अब हमें मालूम है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए ये कोण 60 डिग्री हो गया। अब परवलय अपनी अक्ष के प्रति सममित होता है, यानी जितना पार्ट जैसा पार्ट इसका अक्ष के ऊपरी भाग में है वैसा ही नीचे होना चाहिए, तो कोण भी जितना ऊपर है उतना नीचे होना चाहिए, इसलिए ये कोण 30 डिग्री होना चाहिए और ये 60 डिग्री होगा। तो ये 90 हो गया, तो ये 30 बचा, 90 बचा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, इसलिए कोण ए पी वी समकोण है। अगर हमने इसे एल माना है तो समकोण त्रिभुज ए पी वी की सहायता से या ए पी वी की सहायता से हम पी वी और ए पी निकाल सकते हैं और इससे हमें परवलय पर स्थित एक बिंदु वी के निर्देशांक मिल जाएंगे और इस निर्देशांक से हम परवलय के समीकरण को संतुष्ट कराएंगे, हमें एल का मान मिल जाएगा। देखते हैं किस तरीके से। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई एल इकाई है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, अतः कोण सी ए बी ये हमारा 60 डिग्री होगा, पी ए बी 30 होगा। अभी बताया था ये तीनों कोणों का जोड़ 180 है, इसलिए कोण ए पी बी का मान होना चाहिए 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के 90, यानी कि 90। समकोण त्रिभुज ए पी बी में ए पी बी में ले लेते हैं, पी बी बटे एल यानी पी बी बटे एल, ये जो भुजा है समकोण त्रिभुज की इस कोण के लिए लंब का काम करेगी, कोण के सामने की भुजा लंब होती है और ये कर्ण होगा समकोण त्रिभुज का, इसलिए लंब बटे कर्ण का सूत्र लगा हुआ है बराबर साइन 30। पी बी बटे एल बराबर साइन 30, साइन 30 का मान रख देते हैं 1/2, पी बी का मान एल बटे दो, ये हमारा पी बी आया है एल बटे दो यानी वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ए पी होगा हमारा। फिर से समकोण त्रिभुज लेते हैं पी बी, ए पी बटे एल आधार बटे कर्ण का सूत्र, क्योंकि ए पी जो है आधार है समकोण त्रिभुज ए पी बी के लिए, इसलिए कॉस 30 के बराबर आया। कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2 है, ये रख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ बिंदु बी के निर्देशांक ये है, ये परवलय पे स्थित है, इसका समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, इसे संतुष्ट करा देंगे। तो यहाँ पर y का मान हम लिखेंगे एल वाई टू, ये रख दिया। x का मान एल अंडर रूट 3/2 से सॉल्व करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 आ गया। एल स्क्वायर बराबर 4 × 2 = 8, ए एल अंडर रूट 3 सॉल्व कर लिया, इसे एल कॉमन ले लिया तो एल माइनस 8 अंडर रूट 3a अंदर आ गया। एल बराबर 0 अमान्य है, क्यों भुजा 0 नहीं हो सकती, त्रिभुज है। दूसरा गुणनखंड हमने 0 रखा है, एल माइनस 8a अंडर रूट 3 बराबर 0, तो एल का मान आ गया है 8 अंडर रूट 3। अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा 8a अंडर रूट 3 इकाई।